हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और कोरोना संकट पर आज के दिन का सबसे बड़ा इंटरव्यू हम आपको दिखाने जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से बात की हमारे सहयोगी प्रफुल्ल श्रीवास्तव ने, उसको आप सुनिए। कोरोना वायरस का कहर अब पूरी दुनिया में लगभग देखने को मिल रहा है, भारत में भी लगातार कोरोना वायरस के मरीज सामने आ रहे हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। सर, लगातार मामले बढ़ रहे हैं, सरकारी आंकड़ों की ही माने तो पिछले 48 घंटे में 1000 मामले आ चुके हैं, कितनी चिंता का विषय और कितनी गंभीर स्थिति है सर इस समय? देखिए, स्वाभाविक है कि कोई भी बीमारी सारे दुनिया के साथ साथ भारत में आई है तो किसी भी स्वास्थ्य मंत्री के लिए ये एक कंसर्न का विषय होना चाहिए, चिंता का विषय होना चाहिए। लेकिन इसके लिए कोई पैनिक करने का विषय नहीं है, ना ये पैनिक मेरे दिमाग में कोई पैनिक है इसका, ना समाज के अंदर होना चाहिए। अभी जहां तक कुछ केसेस के पिछले 3-4 दिन में बढ़ने का विषय है, ये हम सब जानते हैं कि ये एक विशिष्ट कारण से बढ़े हैं। सारे समाज में जो भी मैक्सिमम हमको करना चाहिए उसको एक्सट्रीम लेवल पर सारा देश प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उस काम को कर रहा है। अभी तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि कोई पैनिक ना करें, लेकिन जो कुछ आपको करने के लिए कहा जा रहा है उसको जरूर गंभीरता से फॉलो करें। और वो क्या है? वो सिंपल लॉकडाउन का प्रिंसिपल है, घर के अंदर रहें, अपने घर के लोगों के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं, घर में भी थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग करें, अपनी पर्सनल जो हाइजीन है बार बार अच्छी तरीके से हाथ धोना है, हाथ को मुंह पर नाक पर आंख पर नहीं लेके जाना है, ये एक प्रकार से बड़े बेसिक जिसे कहते हैं कि प्रिकॉशंस हैं। मैं बार बार बोलता हूँ कि इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। और मैंने आज एक बात और भी कही है कि दुनिया में वैक्सीन की खोज हो रही है और सारे वैज्ञानिक इस काम पर लगे हैं, भारत भी उस काम में दुनिया के प्रमुख देशों के साथ मिलकर लग गया है। आप जानते हैं भारत ने भी बाकी दुनिया के कुछ देशों की तरह वायरस को आइसोलेट कर लिया, हमारे वैज्ञानिक इस काम पर लग गए। लेकिन जब तक एक व्यक्ति को इंडिविजुअली प्रोटेक्ट करने वाली वैक्सीन दुनिया को मिलेगी, उसके पहले हमारे लिए लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग ये सबसे बड़ी सोशल वैक्सीन है। इस वैक्सीन से ज्यादा पावरफुल इस समय हमें हमारे देश को और समाज को बचाने के लिए क्या हो सकता है? तो इस सोशल वैक्सीन को हम भरपूर इस्तेमाल करें, ये हमारे प्राणों की इस बीमारी से बहुत अच्छी तरीके से रक्षा कर सकती है। दूसरी बात ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि पैनिक का कोई कारण बिल्कुल नहीं है। 80% से ज्यादा जो कोविड से प्रभावित मरीज, उनको या तो ना के बराबर सिम्टम होता है या माइल्ड सिम्टम होता है, वो पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं। बाकी भी जो 15-20% हैं उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि कोई थोड़ा बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति में तो बहुत बहुत ही कम लोग जाते हैं, वो भी वो लोग जाते हैं जिनको पहले से कोई बड़ी बीमारियाँ शरीर के अंदर होती हैं, कोई हार्ट की, लंग्स की, कोई किडनी की या किसी भी प्रकार की डायबिटीज है, दूसरी बीमारियां हैं। तो इस समय पर ऐसे लोग तो विशेषकर जिनको शरीर में कुछ भी किसी भी प्रकार की बीमारियां पहले से हैं, और खासकर हम हमारे घर में हमारे माँ बाप बुजुर्ग लोगों को, उनकी ज़्यादा विशेष रूप से चिंता करें, उनके प्रिकॉशंस को फॉलो करने के मामले में किसी भी तरह की कोताही ना करें, ये सबसे बड़ी बात है। सर, लेकिन एक आपने अहम बात की कि लॉकडाउन है, आइसोलेशन में रखना है अपने आप को, मतलब दो सोशल डिस्टेंसिंग रखने हैं। लेकिन सर, पिछले एक हफ्ते, अगर शुरुआती एक हफ्ते की बात करें तो पहले कुछ मजदूर निकल गए दिल्ली की तरफ से, उसके बाद ये निजामुद्दीन का मामला आया, तो आपको लगता है कि ये जो 7 दिन है ये इसने इस लॉकडाउन के पीरियड को नुकसान पहुंचाया? देखिए, वो जो दो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं कुछ माइग्रेंट वर्कर्स वगैरह के वजह से और कुछ ये जो दिल्ली का निज़ामुद्दीन से जुड़ा हुआ विषय है, अब ये जो कुछ हो गया है इसका बहुत ज़्यादा पोस्टमार्टम करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है, मैं स्टेट गवर्नमेंट्स को बधाई देना चाहता हूँ कि ये दोनों घटनाएं बड़ी थी, लेकिन आज जितने माइग्रेंट वर्कर्स थे वो सारे देश के अंदर वो उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो गई है, जिस जिस गाँव में गए वहाँ पर उनको लोकलाइज कर लिया गया है, वहाँ भी वो क्वारंटाइन में रख दिए गए हैं,
वहाँ भी गांव में घुसने से पहले पंचायत के लोगों ने भी उनकी स्क्रीनिंग कराई, और इतनी बड़ी संख्या के अंदर सारे देश में, जहाँ एक तरफ प्रधानमंत्री जी ने उन गरीबों के लिए पैकेजेस अनाउंस किए, उनके लिए व्यवस्थाएं अनाउंस की, स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी उनका साथ दिया, आज सभी माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं उनकी जहाँ जहाँ वो हैं उनकी गहराई और गंभीरता से चिंता हो रही है। दूसरा जो अभी ये पिछले दिनों में निजामुद्दीन से जुड़ा हुआ जो इंसिडेंट हुआ है, इसमें भी देखिए जो संख्या हजारों में है, अभी जब मैं हेल्थ मिनिस्टर से बात करता हूं तो सारे देश में मुझे ये बताते हैं 17-18 प्रदेशों में ये लोग गए, लेकिन सब जगह पर जो लिस्टें वगैरह दी गई सब जगह उनको ट्रेस कर लिया गया, उनको क्वारंटाइन फैसिलिटी के अंदर जो है एक प्रकार से पहुंचा दिया गया है, जिनको सिम्टम्स हैं उनकी टेस्टिंग हो रही है, जो पॉजिटिव हैं वो किसी न किसी फैसिलिटी के अंदर जो है भेज दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर भी इस प्रकार के बहुत सारे मरीज हैं। तो ये अपने आप में हमारी देश की जो एक सुदृढ़ व्यवस्था है, आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि भारत के पास शायद दुनिया का सबसे रॉबस्ट इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस का जो सिस्टम है, प्रोग्राम है। आज क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि 5 लाख से ज़्यादा लोग आज हमारे कम्युनिटी सर्वेलेंस में है पूरे देश में, और खाली ये नहीं, आखिरी 3 दिनों में 21, 22 और 23 मार्च को 64,000 लोग भारत में आए थे, आखिरी 3 डेज में जब हमने सारी फ्लाइट्स को बंद किया और हमने कहा कि अब कोई भारतीय या गैर भारतीय, कोई टूरिस्ट, कोई भारत में नहीं आएगा। अब वो 64,000 लोग भी हमारे क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ में हैं, या तो होम क्वारंटाइन कर रहे हैं या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में हैं। इन सब के ऊपर सारे देश में हमारी व्यवस्था जो है वो पूरी पैनी निगाह रखे हुए है, और उसी का परिणाम यह है कि जहां सारी दुनिया में आप देखेंगे कि केसेस की संख्या वो लाखों में पहुँच गई है, लेकिन सौभाग्य से भारत में अभी पहला केस जनवरी के अंत में हुआ था, आज हम अप्रैल में बात कर रहे हैं, और आज अप्रैल के अंदर जो है आप देखिए कि 3,000 केसेस हुए हैं, जिसमें से आप देख जान रहे हैं कि मेजॉरिटी जो है एक पर्टिकुलर इंसिडेंट में थोड़ा कैजुअल या गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर के कारण हुआ। आपको लगता है उसी की वजह से नंबर्स बढ़े हैं सर, जो आज नंबर हम देख रहे हैं? मेरे को लगने का विषय नहीं है, ये तो आप सब लोग भी जानते हो, दिख भी रहा है आपको सबको, और सब आज के आप अखबार उठा के देखिए, आज के हर अखबार में हेडलाइन यही है। मैं तो नहीं कह रहा, आपके अखबार कह रहे हैं, और ये तो फैक्ट है ना इसमें, लेकिन अब उसका पोस्टमार्टम करने की जरूरत नहीं है। अब जो तकलीफ हो गई है उसको रेमेडी कैसे करना, रेमेडी करने के लिए सारे देश ने अलर्ट होकर और तुरंत सबको खोज किया, सबको क्वारंटाइन किया, सबके इलाज की चिंता की, और सबके लिए आगे बाकी लोगों के लिए भी एक मैसेज है कि भाई अगर कहीं पर भी इस प्रकार की कोई गतिविधि अगर हो रही है चोरी छुपे, तो स्वयं वॉलंटियर करके उसको बताएं, ये आपके हित में है, ये देश के हित में है। जो लोग उस गतिविधि में भाग ले रहे हैं उनके भी तो स्वास्थ्य को नुकसान हो रहा है उसके कारण। सर मेरे 2 अहम सवाल ये कि सर, एक PPE N95 मास्क और वेंटिलेटर, इनको लेकर सवाल पूछा जा रहा है, क्या हमारी उसको लेकर उतनी तैयारी है? इन तीनों चीजें हमारी तैयारी पूरी है, हमारे डैशबोर्ड पे हर स्टेट में आज कितना PPE अवेलेबल है, कितना N95 अवेलेबल है, कितने हमने आइसोलेशन के बेड्स क्रिएट किए हैं, कितने हमने एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड कोविड के लिए वार्ड और ब्लॉक्स क्रिएट किए हैं, अस्पताल क्रिएट किए हैं, कितने ICU के बेड्स उपलब्ध हैं, ये सब कुछ उपलब्ध है, कितने हमारे डेडिकेटेड वेंटिलेटर केवल इन आइसोलेशन बेड्स के लिए हैं, ये डाटा भी उपलब्ध है। और उस सबके ऊपर भी अभी 48,000 से ज़्यादा वेंटिलेटर्स हम लोगों ने ऑलरेडी, जिसे कहते हैं, प्रोक्योर करने के लिए ऑर्डर किया हुआ है। इसलिए कहीं पर भी किसी भी प्रकार की ना कोई PPEs की शॉर्टेज है, ना कोई N95s की शॉर्टेज है, और ये बात मैं हर रोज स्वास्थ्य मंत्रियों से डायरेक्ट करता हूँ, ये किसी अधिकारी के माध्यम से नहीं करता हूँ। और अभी आने वाले 3-4 दिनों में आप देखेंगे, इसके बावजूद कि सब जगह पर्याप्त मात्रा में चीजें उपलब्ध हैं, हम और काफी बड़ी मात्रा के अंदर चीजें आगे भेजने वाले हैं। सर, हेल्थ केयर वर्कर्स भी क्योंकि इन्फेक्ट हो रहे हैं, अब सामने आ रही हैं चीजें, दिल्ली में भी हो या बाकी राज्य में, तो इसको लेकर क्या सावधानी बरती जा रही है और क्या कुछ? सावधानी की जहां तक बात है, तो ये तो डॉक्टर्स हैं, ये सारे देश को समझना चाहिए कि डॉक्टर्स और हमारे हेल्थ वर्कर्स, हमारी नर्सेज और ये सब लोग, अस्पताल में काम करने वाले सभी कर्मचारी
कितनी विषम परिस्थिति में सब प्रकार का रिस्क लेकर काम कर रहे हैं और उसके कारण उनको जो एक कई जगह पे इस तरह की जो दुर्भाग्यपूर्ण समाचार आए, कई जगह किसी ने असॉल्ट करने की कोशिश की, कई जगह किसी ने इंसल्ट करने की कोशिश की, कई जगह किसी ने स्टिग्मा अटैच कर दिया, कई जगह सोसाइटीज में जा रहे हैं तो लोग उनको आने से रोक रहे हैं, कई जगह मकान मालिक उनको बाहर निकाल रहे हैं। ये जो घटनाएं इस प्रकार की देश में सुनने में आती है ये बहुत शर्मनाक है। अभी थोड़े दिन पहले तो 22 तारीख को सारे देश ने अभिनंदन किया, उसके बाद फिर भारत में इस तरह की अगर घटनाएं होती हैं तो ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं होते हैं, ये इसके कारण सारे देश की जो है जैसे कहते हैं बदनामी होती है। ये देश जो है जो मेडिकल प्रोफेशनल्स का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको हमेशा याद रखेगा और जो लोग दुर्भाग्य से अस्वस्थ हो गए हैं उन सब के लिए भी हमारी भगवान से यही प्रार्थना है कि वो जल्दी से जल्दी ठीक होंगे। एक सवाल ये कि महाराष्ट्र, दिल्ली और केरल में लगातार मामले बढ़ रहे हैं, तो इन भी जगहों पे कोई हॉटस्पॉट चिन्हित किया है या इसको लेकर कोई खास तैयार? इन जगहों पर नहीं, सारे देश में हर वो हॉटस्पॉट जहां केसेस किसी भी कारण से ज्यादा हो रहे हैं या कोई ऐसे एरियाज जहां केसेस भले ही कम हो लेकिन वो बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है उनको हमने हाई रिस्क एरियाज कहा है, ये सारे के सारे लोकेटेड हैं। और जैसे हमने कहा कि कम्युनिटी सर्वेलेंस इंडिविजुअल लोगों के लिए भी है, ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का इन हॉटस्पॉट्स पर विशेष ध्यान है, यहां पर कैसे डिजीज के कंटेनमेंट की जो स्ट्रैटेजीज है उनको कैसे प्रभावी ढंग से लगाना है। तो डॉक्टर हर्षवर्धन को आपने सुना, हर स्तर पर हमारी तैयारियां पूरी हैं, वैक्सीन के लिए भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हर सुबह कीजिए दिन की परफेक्ट शुरुआत खबरों के साथ, क्योंकि यहाँ खबरें काम की और कहानियां कमाल की। देखिए नमस्ते भारत सुबह 6 बजे से 10 बजे तक एबीपी न्यूज़ पर।